नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। अस्पताल से घर लौटे सौरव गांगुली। गुरुवार सुबह यह खबर फैलते ही चारों तरफ खुशी का माहौल है। फिलहाल सौरव गांगुली डॉक्टरों के परामर्श अनुसार ही रहेंगे, नियमित रूप से शारीरिक परीक्षा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2 जनवरी शनिवार जिम जाकर बीमार पड़ गए थे। सीने में दर्द होने के कारण उन्हें एक नामी गैर सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था। सामने आया माइंड हार्ट अटैक की समस्या, कोरोनरी का ही आर्टरी सा कुल 3 ब्लॉकेज था। एंजियोप्लास्टी के बाद इसमें स्टेंट बैठाया गया। मंगलवार डॉक्टर देवी सेठी सौरव गांगुली के शारीरिक अवस्था की जांच करते हैं, उसके बाद ही सौरव गांगुली को अस्पताल से छुट्टी दिए जाने की घोषणा की गई। आज तकरीबन 10 बजे सौरव गांगुली को अस्पताल से छुट्टी दे दिया गया। अस्पताल से निकलकर सौरव गांगुली पत्रकारों से बात करते हैं एवं डॉक्टर को धन्यवाद जनाते हैं। We were very happy, honored and privileged to be with Dada when he needed us, and we are very happy that he is going home. He is clinically fit and he is going home. So Dada, can you say a little hello? Firstly, apnader shobai ke ekhane eto din dhore thakar jonno onek dhonnobad, ar specially Woodlands Hospital ke eto bhalo chikitsa korar jonno amar toraf theke big thank you shobai ke। डॉक्टर सरोज मंडल के शुरू कर सप्तर्षी डॉक्टर पांडा, रूपाली मैम, नर्सेस, डॉक्टर आफताब खान जिनी हमारे साथ आज के नहीं, डॉक्टर देवी शेट्टी हाँ केत जत्न करारनेक अनेक धन्यवाद। यू नो वी से दैट वी कम टू हॉस्पिटल्स टू गेट लाइफ बैक, दैट्स रियली हैज बीन दैट एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन, होपफुली आई विल बी रेडी टू फ्लाई सून। थैंक यू। एक बीजेपी कर्मी के घर में बम विस्फोटन की घटना घटा। यह घटना बीरभूम के दूर राजपुर के बसहरी ग्राम में घटा है। कल रात बीजेपी कर्मी सुभाष पाल के घर के नीचे बम विस्फोट की आवाज़ सुनते हैं ग्रामवासी। घर का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। यद्यपि बीजेपी कर्मी का आरोप है कि अमित शाह के सभा में जाने के लिए ग्राम के तृणमूल समर्थकों के साथ बीजेपी समर्थकों का बहसबाजी चलते आ रहा है बहुत दिनों से, उसके बाद ही इस प्रकार का घटना। तृणमूल कर्मी ही घर में बम फोड़े हैं, यह कहना है बीजेपी कर्मियों का। इस विषय पर तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिला सह सभापति अभिजीत सिंह कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस कभी भी बमबाजी नहीं कर सकता। बीजेपी कर्मी अभी सब समय ही तृणमूल कर्मियों को दोषी ठहराता है। उनका आगे कहना है कि संगठन नहीं है, पैरों तले जमीन नहीं है, कहकर इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं वे लोग। মানে তখন তো রাতে মানে মধ্যে রাত বলতে গেলে ছিল, তখন তো সবাই তো ঘুমিয়ে যাবে, কোনো লোক তো তখন দেখে থাকবে। এটা আমার একটা নতুন হচ্ছে, এটা গোয়াল করার জন্য এটা নতুন বানাচ্ছি এটা। এটা তো হিসাব অনুযায়ী এটা বুঝে যাচ্ছে যে দলগত এটা মানে চক্রান্ত। হ্যাঁ, এটা তো আমরা তো বিজেপি কর্মী আর আমাদের বাড়িটাই তো পুরোটাই তো মানে বিজেপি, ওই জন্য দেখছে যে যদি কিছু করে যদি কিছু দবকানে যায় সে ব্যবস্থাটা করছে। রাজ্যটার নাম পশ্চিম বাংলা। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিম বাংলাকে শান্তি এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, তাই দলের নির্দেশ আছে সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে কর্মীদের কাছে যে পশ্চিম বাংলা শান্তি এবং শৃঙ্খলা এবং উন্নয়নকে বজায় রাখতে হবে। বিজেপি পশ্চিম বাংলায় অশান্তি করতে চাইছে এবং আপনারা দেখেছেন 2019 সালে লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে সিপিএমের হারমাদরা এখন বিজেপিতে নাম লিখিয়েছে এবং তারা বিভিন্ন জায়গাতে পুলিশকে আক্রমণ করা, থানা অবরোধ করা, রাস্তা অবরোধ করা, বিজেপির পক্ষ থেকে তৃণমূল কর্মীদের ওপরে আক্রমণ, সাধারণ মানুষের ওপর আক্রমণ, লুটপাট, এটাই ওদের কাজ। ফলে এই দুবরাজপুরের ঘটনাতে বিজেপির যে কর্মী বাড়িতে বোম পাওয়া গেছে নিশ্চয়ই সেখানে সে বোম মজুত করছিল,
পরবর্তীকালে সেটা তৃণমূলের কর্মী সমর্থক এবং সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ করার জন্য পুলিশ নিশ্চয়ই তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে। प्रवासी भारतीय केरल के निवासी एवं दुबई के व्यवसायी को अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया तीन व्यक्ति को इको पार्क थाना के पुलिस द्वारा आज उन आरोपियों को बरामद कर अदालत में हाजिर किया गया। उन आरोपियों के विरुद्ध में अपहरण का एकाधिक मामला दर्ज किया गया है, इसलिए इको पार्क थाना का पुलिस ने उन आरोपियों को अपने हिफाजत में लेने के लिए आवेदन किया है। यह जानकारी पुलिस सूत्रों से प्राप्त होती है। पिछले रात सिटी सेंटर 2 के पीछे से एक व्यवसायी को अपहरण किया गया एवं उस व्यवसायी के फोन से उस अपहरण व्यक्ति के घर फोन करके उन्हें छोड़ने के लिए कई लाख रुपए का डिमांड किया गया है। जब उस व्यक्ति को अपहरण किया गया था उस वक्त दो आरोपी को भी गिरफ्तार करती है पुलिस, परंतु उस व्यवसायी को लेकर आगे निकल जाते हैं दूसरे अपहरणकारी। फिर इको पार्क थाना का पुलिस गिरफ्तार हुए दो आरोपियों से पूछताछ करके जान पाती है कि नारायणपुर थाना इलाका से एक स्थान पर वे लोग उस व्यवसायी को लेकर चले गए। इको पार्क थाना का पुलिस नारायणपुर थाना के पुलिस को लेकर उस स्थान पर जाकर उस व्यवसायी को उद्धार करती है एवं वहां से और एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है इको पार्क थाना का पुलिस। आरोपी का नाम है शेख फारदीन, गुलाम मुस्तफा एवं मोहम्मद साइद। आरोपियों से पूछताछ करके पुलिस को पता चलता है कि आरोपियों का उस व्यवसायी से पहले से ही परिचय था। व्यावसायिक लेन देन है कि नहीं उन विषय को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। अभी वो मुसम्मिल है, मेरे दुबई वाला एक आदमी, केरला वाला आदमी है, उधर उसका नाम मुसम्मिल है। वो इसका मेरा दोस्त का पैसा उधर के 75 लाख बिजनेस करके लिया, वो चोरी करके सीधा केरला में आया। उसका एक भाई है इधर, उसका नाम मुदसिर है। वो उसको बोला तुम्हारा घर को नहीं जाने चाहिए, सीधा कलकत्ता में आओ, इधर सेफ है, इधर मुश्किल नहीं है, इधर कुछ है तो हम देखता है, ऐसा बोल के वो भाई उसको इधर लेके आया। उसके बाद हम उसको उधर से फ़ोन किया, केरला से हम फ़ोन किया, इसके भाई को फ़ोन किया, भाई हमारा पैसा तुम्हारा भाई ऐसा चोरी करके आया। वो बोला हमको मालूम है, वो बोल हम उसको बोला हमको थोड़ा आपको बात करना चाहिए। वो बोला हम नहीं आते, हमको टाइम नहीं। हम उसको बोला हम कलकत्ता में आएंगे तो तुम हमको बात करता है, ऐसा पूछा। वो बोला तुम आओ। इसके बाद हमको एयरपोर्ट से लेके आया, वो हमारा हमको लेके आया कि हमको रूम के छोड़ा। वो बोला एक दिन हमको टाइम दियो, हम उसको बात कर गई तुम्हारा मैटर क्लियर करता है बोला। उसके बाद कल से हम दूसरा दिन हम फ़ोन करते हैं, वो उठता नहीं है, दो तीन दिन से फ़ोन करता उठता नहीं है। उसके बाद वो भाई हमको फ़ोन किया, मुसम्मिल है ना, वो हमको फ़ोन करके बोला क्या हुआ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या हुआ। हम बोला हमारा पैसा के बात करने के लिए आया, तुम देता है नहीं देता है। वो बोला ओके देता है, बात करते हैं के लिए तुम्हारा साथ आता है, ऐसा बोला। उसके बाद वो बुलाया ना हमको, उसका दूसरा इधर का लोकल आदमी को सेटिंग कर गई, हमको पकड़ के लेके गया, बहुत बहुत मारा। पौर सभा के उदार मानसिकता से स्वास्थ्य साथी कार्ड का सुविधा पाए बारासात का एक परिवार। उत्तर 24 परगना के सद शहर बारासात पौर सभा के 24 नंबर वार्ड के निवासी माधव पाल का लड़का बहुत दिनों से बीमार था। माधव बाबू के परिवार में है उनकी पत्नी एवं उनका पुत्र, और संसार में इनकम कहकर कुछ खास नहीं है, इसलिए किसी प्रकार गुजारा कर रहे हैं माधव बाबू। दूसरी तरफ 24 नंबर वार्ड के एक सक्रिय बीजेपी कर्मी के रूप में परिचित माधव बाबू का लड़का राजू पाल, इधर दिनों दिन उनके लड़के का शारीरिक अवस्था बिगड़ रहा था। बेचैन होकर और कोई रास्ता नहीं सूझते हुए सीधा माधव पाल दौड़ गए बारासात पौर सभा के प्रशासक सुनील मुखर्जी के पास। उन्होंने सुनील मुखर्जी को बताया कि लड़के का इलाज के लिए भेलोर में ले जाना होगा, परंतु उनका आर्थिक अवस्था इतना ही खराब है कि उनके लिए अपने लड़के को लेकर भेलोर जाना संभव नहीं है। फलस्वरूप समस्त बातें सुनने के बाद जल्द से जल्द उस लड़के के इलाज का सुव्यवस्था करने के लिए तैयार हुए बारासात पौर सभा के प्रशासक सुनील मुखर्जी। इसलिए पौर सभा में स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाने आए संश्लिष्ट कार्यालय के साथ बात किए सुनील बाबू। उनके निर्देश से स्वास्थ्य साथी कार्ड का समस्त यंत्रपाती लेकर विवेकानंद रोड संलग्न माधव बाबू के घर पर उपस्थित हुए कार्ड बनाने वाले कर्मी। इसके बाद पौर प्रशासक सुनील मुखर्जी के उपस्थिति में मात्र कुछ मिनट में ही स्वास्थ्य साथी कार्ड माधव बाबू के हाथ में सौंप दिया गया। इसके अतिरिक्त भेलोर में चिकित्सा करवाने के लिए एयरलाइंस के साथ बात करके 4 विमान टिकट का व्यवस्था भी कर दिए पौर प्रशासक सुनील मुखर्जी। पौर प्रशासक का उदारता देखकर बहुत ही खुशी व्यक्त किए माधव बाबू एवं उनका परिवार। इस विषय पर पौर प्रशासक सुनील मुखर्जी कहते हैं कि वे लोग कोई दल देखकर काम नहीं करते हैं, असहाय व्यक्तियों के पास खड़ा रहना उनका नैतिक कर्तव्य है, कहकर जानकारी दिए सुनील मुखर्जी। राजू पाल माधव पाल ये सक्रिय बीजेपी कर्मी, और शारीरिक अवस्था जे पर्याय गए ताते
যখন তখন একটা অঘটন ঘটতে পারে। ওর বাবা সকালবেলা আমার বাড়িতে গিয়েছিল, গিয়ে বলো দাদা তুমি একটা ব্যবস্থা করো যে আমি ওকে চেন্নাইতে নিয়ে যাব, তুমি একটা ব্যবস্থা করে দাও, তাহলে আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারবো না। আমি তখন এয়ারলাইন্সের সঙ্গে মানে আমি কথা বলে আমি চারটে টিকিট ওদের আমি ব্যবস্থা করে দিলাম চেন্নাইতে যাওয়ার জন্যে। আগামীকাল বিকেল চারটের সময় ফ্লাইটে আমি আজকে টিকিট কাটিয়ে দিলাম। আমি দেখলাম ওদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। আমি যদি ওদের হাতে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা তুলে দিতে পারি তাহলে খুব ভালো হয়। তো আমি বারাসাত পৌরসভা থেকে আমি, কারণ যেহেতু ওর স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ছবি তোলার যে এটা এসেছিল, যে লিস্টটা এসেছিল, লিস্টে ওর নাম খুঁজে খুঁজে বের করলাম। বের করার পর আমি বারাসাত পৌরসভায় যারা এই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ছবি তুলছে তাদেরকে ওদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা তার হাতে তুলে দিলাম। এটা হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার নির্দেশে, যে আমরা কোনো দলমত চিনি না, আমরা মানুষকে চিনি। সুতরাং সেই মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তাকে দেখার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকেরই। সেই চিন্তাভাবনা করে আমরা আজকের এই জিনিসটা করে দিলাম। আমি পেলাম, আমি দাদার কাছ দিয়ে পেয়েছি, দাদার কাছে গেছিলাম, দাদা বললো যে তোর এই জিনিসটা করেছিস, না হয়নি এখনো, তো আমার শরীর খারাপ বলে ছেলের যেতে পারিনি। তাহলে সুনীল মুখার্জি আমাদের চেয়ারম্যান, দাদা বলতে সুনীল মুখার্জি চেয়ারম্যান আমাদের বললো তুই কাট করিস না, আমি না এখন আমি পারিনি যেতে, আমার ছেলের শরীর খারাপ বলে, আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোকে আজকে করিয়ে দেবো, হ্যাঁ তোর বাড়িতে যাবে মেশিন ফেশিন নিয়ে করে দেবে। আমার দাদার উপরে খুবই ইয়ে লেগেছে, অসংখ্য ধন্যবাদ দাদাকে, সুনীল মুখার্জি एक असहाय वृद्धा महिला बहुत ही चरम दुर्दशा में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। ना ही रहने का कोई निवास स्थान है और ना ही जीवन जीने हेतु कोई जीविका। मालदा के चांचल एक नंबर ब्लॉक के भगवानपुर जीपी के दक्षिण कालियागंज ग्राम की चित्रा देवी का चरम दुर्दशा की कहानी ग्रामवासियों के मुँह से सुना गया। उन लोगों का कहना है कि चित्रा देवी एक ग्वाल घर में रहती है और वो भी बेरा एवं टीना छावनी से बना हुआ ग्वाल घर। चित्रा देवी के पति प्रवीर बैनर्जी इलाका के क्वाक डॉक्टर थे। ग्राम ग्राम घूमकर लोगों के घर घर जाकर चिकित्सा परिसेवा देते थे। तृतीय धाप के लॉकडाउन में हृदय रोग से पीड़ित होकर आर्थिक समस्या होने के कारण चिकित्सा के अभाव में चंचल अस्पताल में ही उनकी मृत्यु हो गई। ग्रामवासियों द्वारा चंदा उठाकर शेष श्रद्धा अर्पण किया गया प्रवीर बाबू का। उसके बाद चित्रा देवी भी जीना नहीं चाहती थी। पड़ोसी गृहिणियों के आश्वासन से फिर से जीवन के संघर्ष में उतर पड़ी चित्रा देवी। ग्रामवासियों के परामर्श से गाबदी पशु पालने का कार्य आरंभ करती है चित्रा देवी एवं उनका दूध विक्रय करके ही एक वक्त का खाना जुगाड़ करती है। कभी कभी रात में बिना खाए ही सो पड़ती है चित्रा देवी। चित्रा देवी का आरोप है कि स्वामी की मृत्यु का 8 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं मिला है स्वामी ब्यासी प्रकल्प का पैसा, ना ही मिला है विधवा भत्ता और ना ही आवास योजना का पैसा। स्थानीय निवासी प्रभा मंडल सविता मंडल का अनुरोध है कि जल्द से जल्द चित्रा देवी को विधवा भत्ता, समय व्यापी प्रकल्प का पैसा दिया जाए। इस विषय पर स्थानीय पंचायत के सदस्य नाजिमुल हक का कहना है कि जल्द से जल्द उनकी मदद की जाएगी। खूबी कष्ट जाच्छे, কোনো দিন খাওয়া জোটে, কোনো দিন জোটে না। এই যে গ্রামবাসী দেয় দয়া করে তাহলে খাই, এই অবস্থা। কিছু তো পাইনি, ভাতাও পাইনি, তারপর 2000 টাকাও পাইনি। এই যে শ্মশানের 2000 টাকা, এই 8 মাস হলো মারা গেছে। কেউ নাই আপনার? আমার কেউ নাই, ছেলে মেয়ে কেউ নাই, আমি একাই। ওই গ্রামবাসী সাহায্য করে, রোজই করতে পারে কেউ, হয়তো এই আজকে করলো আজকে। আমি বলবো, তারপরে হয়তো কোনো দিন মুখের লজ্জায় বলিও না খেয়ে থাকতে হয়। ওটা জানি না দুয়ারের সরকার আবার কোনটা কী, ওগুলো জানি না। ঘর ঠিক করবো, টাকা পাবো কোথায়? ঘর ঠিক করার টাকা নেই, খাপেটের টাকা এই জোটে না, আর ঘরের টাকা কী করে জুটবে? ভোট যদি বাঁচে থাকি তাহলে ভোটটা দেবো নাগরিক হিসাবে। খুবই অবস্থা খারাপ, কেউ নাই সংসারে, বাঁচা যায় কেউ নাই, ঘর বাড়িও ঠিক নাই। ধাবা কখন আসবে, ঘর পরে এলে ওটা বলা যাবে না, একবেলা খাই তো তিন বেলা না খাই,
এ কেউ নাই, ওর লকডাউনের সময় মারা গেছে স্বামী, ভাতাও হয়নি। সে মেমোরের কাছে তো বলছে দেখি এগুলো শুনে নাই কি হবে, সিরিয়াল বাই সিরিয়াল আসবে, 2000 টাকা পাতো স্বামী মারা শ্মশানে রোটও পাইনি পাইনি। তো গ্রামবাসী কি এদের সাহায্য করে? একে সাহায্য করে রোজ কি করে করবে, ও তো একবেলা একজন যে দেয় এমনি ভিক্ষা করে খাই সেমনি করে। চ্যানেল বাংলা কা হিন্দি সমাচার অভি তক ইতনা হি, নমস্কার।